यार, ये कहां से चलता है भाई, कोई लगाए इसको? ओहो, खबरों का वक्त निकला जा रहा है। अरे सिला, बात सुनो बेटे, इसको ऑन करो, हमें खबरें देखनी है भाई। ये लोग कहां से चलता है ये? आपको घर नहीं जाना था? नहीं नहीं, अभी एक आध दिन हम हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बगा लो ये। अच्छा, इसके बगैर? हाँ, आ लग गया। हाँ, शाबाश, ऑन करते। तुम बता, चाय पिलवा दो हमें। आ जी अंकल। अरे टाइम लगता है क्या, गरम? अरे चाय भिजवा अच्छी सी। हाँ शाहिद मियाँ, कैसे हो बेटा? और दोनों बाप बेटा एक साथ, खैरियत तो है? जी खैरियत। कहाँ है अब्बा मियाँ तुम्हारे, दो तीन दिन से नजर नहीं आ रहे। अच्छा, हमें लगा कि आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे। अरे नहीं बेटा, हमारी तबीयत खुद ही अच्छी नहीं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए घर से बाहर ही नहीं निकले। अब अच्छा अंकल, फिर मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, मुझे भी घर पे खाने का सामान देना, अब्बा को मेरा सलाम कहना, ठीक है? इनको भी नहीं पता, पता नहीं रियाज साहब की तरफ भी होंगे कि नहीं, अल्लाह जाने कहाँ चले। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब आप दादा की तरह मुझ पे इल्जाम डाले पे डाले जा रहे हैं। मैंने किया क्या है? किया क्या? इकबाल अंकल, ये कबीर अंकल कब वापस जाएंगे? बेटा मेहमान हैं। लेकिन बिहेव तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कब से यहाँ रह रहे हैं। मुझे पता है। तो अब क्या करना है? पता नहीं। और इनकी फैमिली को पता है क्या? मेरा नहीं ख्याल कि उनको पता है। देखो बेटा, उनको यहाँ रुकने के लिए मैंने कहा था, अब मैं ही उन्हें जाने का कह दूं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपको पता है ना दादू उनकी वजह से कितनी अनकंफर्टेबल हो रही हैं। जी बेटा, बात करूंगा मैं उनसे। प्लीज आप इनसे बात कर लीजिएगा, वरना मैं खुद जा। नहीं नहीं प्लीज, मैं कर लूंगा ना बात। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है भाई? आज बाप बेटे एक साथ? क्यों, बाप बेटा साथ में नहीं हो सकते? यानी हर कोई ये सवाल पूछा जा रहा है। अरे शाहिद मियाँ, और किसने पूछ लिया? आप ये बताएं कि आपकी दादा से मुलाकात हुई है? लो भाई, वो तो हमें देखकर ऐसे मुड़े जैसे हमने उनसे उधार मांग लिया। आपने कब देखा था उन्हें? कल ही तो। कल कब? वो अपने घर से निकले थे और हम अपने घर जा रहे थे। तो आपसे मिलके वो किस तरफ गए थे? अरे जाएंगे कहाँ भाई, वही पार्क की जानी मुड़े थे। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, सब खैरियत तो है? वो अब्बा कल से घर नहीं आए। लो भाई, अब घर वालों से भी झगड़ा कर लिया? क्या मतलब घर वालों से भी? अरे हर एक से तो लड़ते रहते हैं, अब घर वालों से भी लड़ दिए। असल में हर वो गुस्से में रहते हैं वो। अरे इश्ताक भाई, भाई सुना आपने वो कबीर भाई खो गए, आप क्या तो नहीं है कहीं? अरे इनके अभी देख लिया, अब नहीं है यहाँ पर। लो भाई, कहाँ खो गए? क्या मतलब, कोई चीज है जो खो गए? आ जाएंगे। चलें, आप लोगों को खबर मिले तो बताइएगा। लो भाई, ये क्या बात कही भाई, दोस्त हैं, मिलकर ढूंढते हैं उनको। कहाँ ढूंढेंगे, हर जगह तो ढूंढ लिया, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल। बेटा क्या हो गया, अल्लाह ना करे, वहाँ क्यों देख लिया? अंकल हर जगह देखना जरूरी था, अगर आप लोग को दिखे तो प्लीज आप लोग बता देगा, हम और जगहें देख लेते हैं। अरे भाई हम लोग साथ चलते हैं, क्यों इशाक भाई? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मैं जरा दही दे आऊँ घर पे। लो भाई। क्या लो भाई, मेरे बगैर जाना नहीं, मैं यूं गया और यूं आया। किसी को नहीं पता भाई कहाँ चले गए। रियाज साहब सबने उसी वक्त देखा था जब आपने देखा था। एक सेकंड। हेलो जैन, तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारे दादा कहाँ पर हैं? नहीं ना। तुम्हारे दादा इस वक्त मेरे घर पर हैं। दादा तुम्हारे यहाँ हैं? किसके घर चले गए? कौन है बेटा? अरे बेटा कुछ तो बताओ। बात तो करने दें उसे। लो पूछ ही तो रहे हैं सिर्फ। मैं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्या हुआ, किसका फोन था, कहाँ है अब्बा? दादा सिला के घर पे। चलो भाई अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत है कबीर साहब। देखा, हम तो कह रहे थे पहले वहीं जाना चाहिए था। ये आपने कब कहा था भाई? हम कहने वाले थे भाई। रियाज साहब किसी के भी जहन में नहीं आया, वरना सब वहीं जाते पहले। हाँ भाई सोचने वाली बात थी, वहां के अलावा और जा कहां सकते थे। हाँ लेकिन घर वालों को बता तो देना चाहिए था ना। चलो शायद बेटा कबीर भाई को लेके आते हैं।
नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं और जैन जाकर उन्हें ले आएंगे। चलो जैन, अल्लाह हाफिज। शायद मियां को बुरा लग गया। कबीर भाई भी तो हज करते हैं ना, सबको बगैर बताए चले गए, सबको परेशान कर डाला। अरे इश्ताक भाई, आप बड़े भोले हैं, शायद मियां को कुछ और बुरा लगा है। हाँ कहा तो था बुरा तो लगेगा उनको। आप समझे नहीं इश्ताक भाई, आप लैला और कबीर भाई का ताल्लुक नहीं जानते। सलीम, आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा, तभी आप इतनी खुश दिख रही हैं। वो पापा से फोन पे बात हो रही थी इस घर के बारे में। तो खरीद रहे हो? सलीम मैं सीरियस हूं। अच्छा अच्छा बोलो। तो वो पापा कह रहे थे कि उनके एक दोस्त हैं रियल एस्टेट में, तो वो इस घर की अच्छी प्राइस दिलवा देंगे। तो अम्मी से पेपर्स लेने होंगे ना, समझो कि हमारा काम हो गया। अरे नायला क्या हुआ, यहां क्यों बैठी हो? फिर कहां जाऊं? ये कोई सवाल है पूछने का? कहां बैठूं? तुम्हारा अपना घर है, जहां मर्जी बैठो। इकबाल, अगर ये मेरा भी घर होता ना, तो कम से कम कबीर को आप यहां लाने से पहले मुझसे पूछ लेते। आपने तो पूरा घर ही उसके हवाले कर दिया। अच्छे खासे आदमी है कबीर भाई, तुम तो जानती हो उन्हें काफी अरसे से। जानने का हरगिज मकसद ये नहीं कि घर के फर्द की तरह से आपने हमारे सरों पे सवार कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है, अच्छे खासे आदमी है कबीर भाई। इकबाल, मैं आपकी अच्छाई से तंग आ गई। किस बात का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? बदला मैं किस बात का लूंगा? तो ये सब कुछ क्या है, क्यों लाए हैं कबीर को आप? आप देख नहीं रहे उसने हमारा क्या हाल कर दिया? हम आजकल एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे पर चीखते हैं, हमारे घर में झगड़े होने लगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैं पिछली बातों का अजाला करना चाहता हूँ। किस बात का अजाला करना चाहते हैं आप? मैंने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी अपनी जिंदगी पर, हर एक के लिए लोग असाइन कर दिए थे कि किससे मिला जा सकता है और किससे नहीं। शायद इसीलिए तुम्हारे घर में मुझे किसी ने वो अहमियत नहीं दी जो मेरा हक था। तो आपने कबीर को ही हमारी जिंदगी में शामिल कर लिया? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जिन लोगों की अहमियत है या थी, वो तुम्हारे साथ हों, और तुम्हारे लाइफ पार्टनर के तौर पर तो मैं हूँ ही, लेकिन बाकी रिश्तों की कमी मैंने पूरी करने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी पोती सिला को यहाँ ले आया, तुम्हारे बेटे इमरान पर तो बस ना चल सका, लेकिन मुझे तुम्हारे दोस्त की सूरत में जब कबीर नज़र आया तो मैंने चाहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी कमी पूरी कर सकूं। इकबाल, यही आपकी गलती है, मुझे आपके होते हुए किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। और अगर ऐसा है तो इसका मकसद है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं सके। इकबाल, मुझे लगा हम दोनों के बाद हमारी ज़िंदगी में किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल गलत थी। मैं समझती थी हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हम दोनों तो अलग अलग रास्तों के राही, इसलिए बेहतर होगा कि हम अलग ही हो जाएं। क्या हुआ शाहिद, पता चला पाका? तुम सोच भी नहीं सकती हो कि अब्बा मिले कहाँ से? कहाँ थे? सही तो है ना अब्बा? सही भी हैं, सलामत भी, मजे से रह रहे हैं नायला आंटी के घर। नायला आंटी? अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानती हो। हाँ मुझे याद है कौन नायला आंटी, और मुझे एक आइडिया था कि वो वहीं होंगे। अब तुम भी बन जाओ रियाज साहब। रियाज भाई? अरे छोड़ो भी, मुझे नहीं बात करनी। क्या यार शाहिद, बहुत गुस्से में, कुछ नहीं सुनेंगे, अगर आप कुछ कहेंगे तो उल्टा आप भी सुनाते।
हमारा क्या कसूर है इस सब में? कसूर किसी का भी हो, गुस्सा कमजोर पे ही निकलता है। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसी की नहीं। ज़ैन बताओ क्या कहा है शाहिद भाई ने? रहने दे यार। अब इसको क्या हो गया? पता नहीं, रुको मैं देखती हूँ। सुन लिया सब? नहीं, मुझे असल में काम था। तुम जिस काम से आए थे वो पूरा हो गया, अब खुश हो? अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरा मकसद ये नहीं था बिल्कुल। तुम्हारा मकसद मैं समझ चुकी हूँ कबीर। तुम जब से मेरे घर आए हो तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि मैं खुश कैसे हूँ, तुमसे दूर रह के सुकून की जिंदगी कैसे गुजार रही हूँ। लेकिन अब तुम खुश हो जाओ कबीर, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। मेरा बेटा तो मुझसे दूर था, तुमने मुझसे मेरा सुकून भी छीन लिया। मेरा घर बर्बाद हो रहा है कबीर। आल भाई, क्या हुआ है ज़ैन? प्लीज कुछ बताओ मुझे। कुछ नहीं है। बाबा ने क्या कहा है बताओ? जो कह सकते थे उन्होंने सब कुछ कह दिया। क्या कहा है, कुछ बोलो। मामा, इनके हिसाब से इन सब चीजों का कसूरवार मैं हूं। जो कुछ भी हुआ वो मेरी जल्दबाजी का नतीजा था। मैं ही चाहता था कि मैं सिला से शादी करूं, और ये दादा और बाबा को जो झगड़ा हुआ है वो भी मेरी वजह से हुआ है, इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। तुमने क्या कहा उनसे? क्या कहता? आप भी तो यही समझती हैं। अगर ऐसा नहीं है ज़ैन तो तुम उनसे कहते, उनके पीठ पीछे इस तरह बात करने का क्या फायदा? यहाँ किसी भी चीज का फायदा नहीं है मामा, और कहता भी तो क्या, उन्होंने मौका नहीं दिया बोलने का। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। ज़ैन, अरे मुनिया, पता चला मुन्ने भैया का? जी पुपो, नायला आंटी के गए में। अरे वो कहाँ पहुंच गए वहां? मुझे क्या पता पुपो। देख लेना, कोई चांद चढ़ा कर ही आएंगे। पुपो आप तो बिल्कुल ही कोई आखिर बात सोच लेती हैं। तो फिर क्या करें हम? कुछ भी ना करें। तो अब कहाँ हैं? वहीं हैं। अरे आए क्यों नहीं? शाहिद मियां तो लेने गए थे। भाई उनसे बहुत गुस्सा है, वो लेने नहीं गए। जाहिर है गुस्सा तो होगा, अच्छा हुआ नहीं लेने गया। जाकर अपनी साबिका महबूबा के घर बैठ गए, ऊपर से बच्चे मनाने जाएं, ये कोई तुक है? फिर क्या करें? अरे छोड़ दे मुन्ने भाई को उनके हाल में, खुद ही ठुड्डे पड़ेंगे ना तो घर आ जाएंगे सीधे। चाय पियेंगे? आपके लिए चाय बना के लेके आऊं? बना ही दो, इतनी देर से टेंशन में बैठे, और दूध जरा ज्यादा डालना बेटा। इस उम्र में पता नहीं मुन्ने भाई को हुआ क्या है। हाँ सिला, मुझे तुमसे मिलना है ज़ैन। देखो सिला, अगर बात दादा की है। ज़ैन, तुम्हारे दादा के अलावा भी और मसले हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा मैं आता हूँ। हाँ हाँ मैं वही देख रहा हूँ फाइल, मैं देख के बता दूंगा। अरे यार आज तो संडे है, आज तो छोड़ दो। ओके। शायद आपने ज़ैन से क्या कहा? अच्छा तो उसने तुमसे जाके कह दिया, मुझसे तो बात करने की जरूरत नहीं हुई इसकी। हाँ तो आप इतने गुस्से में थे, वो क्या करता? अगर मैं गुस्से में हूंगा तो वो मुझसे बात करना छोड़ देगा। जाहिर सी बात है, वो आगे से बहस करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो मैं कुछ भी ना कहूँ? शायद आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे यार मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। शायद ही कोई तरीका है बात करने का। अरे यार तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? ये आपको सोचना चाहिए शायद। अरे भाई मैं कोई साबित नहीं करना चाहता, यहाँ पे किसी से भी कोई बात करो तो बात का मसला बन जाता। अगर आप मसला बनाएंगे तो मसला होगा ना? तो सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। शायद आप खामखा में बात को बढ़ा रहे हैं। बात को मैं बढ़ा रहा हूँ? बात का पतंगड़ तुम लोग बनाते हो। जो हुआ मैंने उससे कह दिया और वो तुम्हारे पास चला गया, और तुम
अच्छा ठीक है शायद मैं कुछ नहीं कह रही। नहीं नहीं नहीं, तुम कहो जो तुम कहना चाहती हो। शायद प्लीज इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि आप गुस्से में। ओके, यानी कि मैं अब इतना अनरीजनेबल हो गया हूं कि कोई भी मुझसे बात ही नहीं करना चाहता अब्बा की तरह। तो ठीक है यार, कोई भी ना करे बात, मुझे भी किसी से कोई बात नहीं करनी। शायद कबीर इधर आ। हाँ बोलो। आखिर कब तक चले गया तमाशा, तुम करना क्या चाह रहे हो? मैंने क्या तमाशा किया भाई? हाँ तुम्हारे मियाँ ने मुझे कहा यहाँ आ जाओ आके रह लो, तो मैं आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे शौहर ने कहा तुम यहाँ आके रह लो और तुम आ गए हैं। कबीर क्या तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि तुम्हारी इस इंटरफेरेंस की आदत से लोगों की जिंदगियां डिस्टर्ब होती? जो तुमने जैन और सिला के साथ किया मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ना सर है ना पैर, पर रिश्ता कर दो दोनों का। क्यों कर दो? इसलिए कि तुम चाहते हो? कबीर ये दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती सिर्फ, और लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनके अपने मसाइल। कबीर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उनकी जिंदगियों में आग लगाओ। माफ करना नायला, मैंने किसी की जिंदगी में आग नहीं लगाई। तुम्हारी जिंदगी के मसले सिर्फ तुम्हारी अपनी वजह से हैं। बेटा तुम्हारा तुमसे बात नहीं करता, शौहर तुम्हारा एहसास कमतरी का शिकार है, और इन तमाम चीजों का इल्जाम देने के लिए तुम्हें जब कोई और ना मिला तो तुम मुझ पर शुरू हो गई। तुम वैसे बदली नहीं हो जरा बराबर भी। खुदा के वास्ते कबीर, ये मेरे घर के मसाइल है, मैं खुद सुलझा लूंगी। तुम मेरे पे एहसान करो, अपने घर चले जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहां से चले जाने से तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे तो मैं चला जाता हूं। वैसे भी मैं यहां सिर्फ सिला को अपनी बहू बनाने के लिए आया था, और मेरा यहां आने का मकसद कोई नहीं था। बस कर दो, सिला का पीछा छोड़ दो, उसके मसाइल मैं हल कर दूंगी। बल्कि तुम जैन की भी फिक्र छोड़ दो, उन बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो, उनको जीने का हक दे दो, मत पड़ो उनके पीछे। ये उन बच्चों की जिंदगी है, उनका हक है, जीने दो उनको। मैंने किसी का कोई हक नहीं छीना नायला, मैं तो सिर्फ बड़ा होने का फर्ज निभा रहा हूं। तुम्हारी जरूरत तुम्हारे घर वालों को बहुत है, बल्कि मैं शाहिद को खुद फोन करती हूँ कि तुम्हें आके ले जाए। खुदा के वास्ते अपने घर चले जाओ। बराए मेहरबानी, आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से चला जाऊंगा। बेहतर होगा। हाँ। बोलो सला। मुझे एक बात बताओ जैन, हम दोनों क्या हैं? क्या मतलब? मतलब हमारा क्या रिश्ता है? हम दोस्त हैं। तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना। सला पॉइंट पे आओ प्लीज यार। नहीं जैन, मैं वाकई ये जानना चाहती हूँ कि हमारी कंफ्यूज दोस्ती, जिसे हम खुद अभी तक फिगर आउट कर रहे हैं, ये एक रिश्ते में कैसे बदल गई? I mean, हर अगला बंदा इस मामले में इन्वॉल्व है, क्यों कैसे? सला, आई नो ये मेरी गलती है, लेकिन तुम खुद को ब्लेम करके मुझे गिल्ट मत डालो यार। गिल्ट? जैन, गिल्ट का मतलब तुम तब समझोगे जब तुम अपनी वजह से अपने बड़ों को लड़ते हुए देखोगे। मेरी वजह से मेरे अम्मी अब्बू अलहदा हो गए, और अब दादू और इकबाल अंकल, सब चीज़ें मेरे हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। सिला पेशेंस रखो यार, हो जाएगा सब ठीक। दादा भी घर आ जाएंगे तो हल्के हल्के ये सारी चीज़ें रफा दफा हो जाएंगी। नहीं, खुद से कुछ नहीं होगा, हमें सॉर्ट आउट करना होगा जैन। बस तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो?
तुम लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हमने कहा था जब गुस्सा ठंडा होगा तो आ जाएंगे। तो आए भी तो कहां से? वैसे अब्बा को वहां पे जाना नहीं चाहिए था। देखो बेटा, इस उम्र में ना अपने अब्बा से इसलाह करना छोड़ो। आ गए हैं बस इसी को गनीमत जानो। वो जान, गलत बात को गलत कहना चाहिए। अम्मी ने भी सारी जिंदगी कुछ ना बोलकर अब्बा के इस रवैये को बढ़ावा दिया, और अब अब्बा का जो दिल चाहता है, जो उनकी मर्जी है वो करते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इर्द गिर्द रहने वालों को उनकी इन हरकतों से कितनी तकलीफ होती होगी। भाई प्लीज खामोश हो जाए, अब्बा सुन लेंगे तो खाम का ही तमाशा खड़ा होगा दोबारा। अच्छा तो तुम लोगों को इस बात से कोई मसला नहीं है कि अब्बा नायलांडी के घर चले गए? शाहिद प्लीज, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब तो अब्बा वापस आ गए ना, अब इन सब बातों का क्या फायदा कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे? हाँ नायलांडी के घर जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा बस थोड़े से अपसेट हैं क्योंकि वो दादू को लेने जाना चाहते थे और वो जा नहीं सके। हाँ आप एक काम करो, आप जाओ दादा जान से पूछो कि वो खाना खाना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो खाना चाहते हैं तो मैं आपको देती हूँ, आप उनको दे आना। हाँ लेकिन अगर दादा ने डांटा तो? नहीं कंजा, दादा क्यों आपको डांटेंगे, आप जाइए। दादा, दादा मैं किंजा। क्यों आई हो, क्या काम है? दादा मामा पूछ रही हैं कि आपने खाना खा लिया क्या? किसी को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खाना होगा तो हम खुद बना के खा लेंगे। पक्का दादा? हाँ हाँ, घर भी तो खुद ही आ गए हैं, खाना भी खुद ही खा लेंगे। दादा वैसे चिकन कोरमा बनाए आप पक्का नहीं खाएंगे? मैं मम्मा को मना कर दूं क्या? नहीं, ऐसा करो बाहर निकाल के रख दो, खा लेंगे हम, ले लेंगे, पीछे ही पड़ गई हो, जाओ। जी ठीक है। सलाम, मैंने तो शादी का लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं किया। तो कबीर अंकल को क्यों लगा कि हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि मैंने उनको कभी सीधा जवाब ही नहीं दिया। जैन प्लीज टेल मी एवरीथिंग। सलाम, देखो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बहुत ज्यादा, दोस्त से भी ज्यादा। तो तुमने मुझे ये बात बताने की बजाय कबीर अंकल को बता दी। हाउ रोमांटिक। लेकिन सलाह, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शादी का कभी नहीं सोचा। मैं दादा का अजीब सा रिस्पॉन्स देख के घबरा गया था। आई अंडरस्टैंड। And do you like me? Coffee order करवा ले, काफी देर से बैठे हैं, कहीं रेस्टोरेंट वाले निकाल ही ना दें। Yeah, sure. Excuse me. नायला कहाँ गुम? चाय रखे रखे ठंडी होगी। हाँ पी रही, पी रही। क्यों परेशान हो? सब कुछ तो नॉर्मल हो गया है आपकी वजह से। अरे गलती इंसान से ही होती है, और अब तो कबीर भी चला गया है, मुझे भी माफ कर दो। इसमें गलती आपकी नहीं, मेरी।
मैं वो आपको एतमाद ही नहीं दे सकी जिसकी बिना पर मैं आपको बता सकती कि आप मेरे लिए बहुत काफ़ी हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। नायला, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं ही शायद कबीर वाले मामले को सही तरह हैंडल नहीं कर सका और बिना सोचे समझे उसे घर उठा लाया। इकबाल, आपकी नीयत अच्छी थी। खैर, मैंने एक फैसला लिया। वो क्या? यही कि मैं कबीर से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अगर आपने उससे दोस्ती मेरी वजह से की है तो मेरी तरफ से आप बिल्कुल आज़ाद हैं। मैं कबीर से और उसके घर वालों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और सिला और जैन की दोस्ती का क्या? इकबाल, जो कुछ हुआ है ना, उससे सिला और जैन की दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे क्योंकि अब कबीर से कोई वास्ता नहीं रखना, लेकिन मैं सिला से कहूँगी भी नहीं कि वो जैन से रابطہ रखे या ना रखे। उसकी अपनी ज़िंदगी, वो जैसे चाहे फैसला ले। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मेरा आज के बाद कबीर से कोई वास्ता नहीं। दिस इज़ फाइनल। बाहर रख दो, ले लेंगे। ओहो भाई, आ रहे हैं। कहा था बाहर रख दो, ले लेंगे, मानते नहीं हम। अरे मेरे बच्ची, आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ इधर आओ। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी, अरे कब आए तुम बेटा? आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे तुम कब आए बेटे? अबू, जिस रात आप सब छोड़ छाड़ के घर से चले गए थे ना, मैं उसी रात आई थी। बताया तो होगा नहीं किसी ने तुम्हें कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था जो हमें घर छोड़ के जाना पड़ा? पहले आप सुकून से खाना खाइए, फिर सुनते हैं। सुकून इस घर में? अरे इस घर में नफरत ही नफरत है। वो नफरत जो तुम्हारी माँ ने शाहिद के दिल में हमारे खिलाफ भरी थी ना, वो नफरत तुम यकीन नहीं करोगी बेटा, शाहिद ने हमसे कितनी बदतमीजी की है। अबू मैं जानती हूँ। अरे हम तो जैन का भला चाह रहे थे कि उसकी जिंदगी सेट हो जाए, बुरे तो हम ही बने ना आखिर में। वैसे अबू, नायला आंटी के घर कैसे जाना हुआ? अरे हम कब जा रहे थे वहाँ पे, वो तो इकबाल साहब हमें ले गए, उनको भी हमारी बात ठीक लगी कि जैन और सिला का रिश्ता हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन वहाँ नायला अड़ गई कि नहीं करना, तो बस हम वापस आ गए बेटा। वहाँ रह के क्या करते हम? अबू जैन बड़ा हो गया है, अगर उसे शादी करनी होगी वो आपको आके क्लियरली बता देगा। आपको मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती करना चाहिए थी। शादी वैसे भी एक ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला होता है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा, बड़ों के फैसले तो अच्छे होते हैं ना। देखो हमने तुम्हारी शादी कराई थी ना, अब तुम अमेरिका में राज कर रही हो अदनान के साथ, है ना? और शाहिद का दिमाग तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। चलें जी, खाना खाइए, मैं खिलाती हूँ आपको अपने हाथ से। अरे तुम्हारे हाथ से तो लुत्फ वाला हो जाएगा। मामा, यू स्केर्ड मी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा कमरा साफ करने गई थी। ओ, मैं साफ कर लेता। खैर, थैंक यू। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी बोले। तुम्हारे दादा घर आ गए। रियली? शुक्र, सिला बहुत परेशान थी, उन्होंने वहाँ पे एक हंगामा खड़ा कर दिया था। तुम्हारी सिला से कब बात हुई? अरे मैं अभी उसी से मिल के आ रहा हूँ, बेचारी बहुत टेंस थी। शुक्र है दादा वापस आ गए। देखो सैन, मुझे तुम्हारी और सिला की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने रिसेंटली देखा है ना कि तुम्हारी दोस्ती की वजह से घर में कितना कियोस मचा है। अब तुम खुद ही बेहतर जानते हो कि तुमने चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, कोई और तो मैं नहीं समझा सकता। आप ये चाहती हैं कि मैं सिला से दोस्ती ख़त्म कर लूँ? मेरा कहने का बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है, पर एटलीस्ट तुम अपनी दोस्ती को एक लिमिट तक तो रख सकते हो ना। अच्छा ओके फाइन। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगे? जी थैंक यू। बाकी कमरा खुद साफ कर लो। ओके। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जा। यू नो व्हाट,
कबीर अंकल जा चुके हैं, अब तुम्हें फिक्र करने की, परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। रिलैक्स हो जाओ। कैसे, आपने उनसे जाने के लिए कहा? हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल क्लियर बात की कि देखो तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और शुक्र खुदा का उसको समझ आ गई और वो चला गया। आप कैसा फील कर रही हैं? पता नहीं सिला, देखो जाना तो उसे था ही, लेकिन अगर जाते जाते इतनी लंबी बहस ना होती ना हम दोनों की, तो शायद और अच्छा फील करती। आपको गिल्ट हो रहा है? वेल, गिल्ट कह लो या अफसोस, यू नो व्हाट सिला, मेरे और कबीर के सितारे कभी नहीं मिले, और जो दोस्ती चल ना सके ना तो उसे ख़त्म कर देना ही बेहतर है। मैंने इकबाल को भी बता दिया कि मुझे कबीर से कोई ताल्लुक नहीं रखना, और रही बात तुम्हारी और जैन की दोस्ती की, वो तुम्हारी ज़िंदगी, जो चाहो फैसला करो। दादो, कबीर अंकल ने जो किया वो गलत था, लेकिन वो तो ऐसे ही है ना, आपको लगता है कि ताल्लुक़ ख़त्म करना ठीक होगा? सिला, इस वक्त यही बेहतर है, दोस्ती कायम रही तो फिर उम्मीदें पैदा होंगी और फिर ख़राबी होगी, लिहाजा इस दोस्ती को ख़त्म ही कर देना चाहिए। और वैसे भी बेटे, जब हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ ही नहीं है तो क्या फ़ायदा इसी दोस्ती का? आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखो सिला, अब तुम्हें भी चाहिए तुम भी जैन के मामले से दूर हो जाओ। जैन अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हारा फोकस तुम्हारी स्टडीज़ पे, तुम्हारे करियर पे होना चाहिए। दोस्त तो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। सलीम, पता है आपको अभी अब्बू का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि पेपर्स के साथ साथ अम्मी का इजाजतनामा और उनके साइन चाहिए होंगे, और एक दो लोग हैं जो हमारे घर के लिए इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अरे देखा बेटे, ये होती है बड़ों की इज्जत, यहां तो ढूंढे से नहीं मिलती। बड़े अगर प्यार देते तो जब ही छोटे इज्जत देते ना, यहां तो बड़ों का प्यार ढूंढने से भी नहीं मिलता। यहाँ बड़े छोटों की तरह बिहेव कर रहे हैं और छोटे बड़ों की तरह, कमाल है भाई। हर प्लेयर अगर अपना रोल सही से प्ले करे ना तो फिर टीम आगे बढ़ती है। कैप्टन का मैच्योर होना बहुत जरूरी है, वरना टीम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कैप्टन तो टीम का अच्छा चाहता है, लेकिन अगर टीम ही अपना भला ना चाहे तो कैप्टन क्या करे। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बस जी रहे हैं, तुम्हें कहा भी था आने का, मगर हालात कुछ ऐसे हुए कि दोबारा बोल ही नहीं पाई। जी अम्मा, इसी सिलसिले में फ़ोन कर रहा था मैं आपको, आप कहें तो मैं कल आ जाऊँ। कल? अरे हाँ हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। हाँ जी, चले ठीक है अम्मा, मैं कल आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अलीना पप्पो, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अदनान पप्पा भी आएंगे क्या? क्यों, आप अपनी अनीला पप्पो से भी से बोर हो गए? अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछी थी, अगर वो आते तो वो भी गिफ्ट लेकर आते ना, इसलिए। हमें से काफी अरसा हो गया, अदनान का इरादा नहीं आने का क्या? आ जाता अच्छा था, मुलाकात हो जाती, इतना अरसा हो गया मिले हुए। भाभी वो
भाभी एक सेकंड में ये कॉल ले लूं। हाँ श्योर, चलो होमवर्क दिखाओ अपना। कर लिया था मैंने बस। हेलो, मैंने कितनी दफा कहा है इस वक्त मुझे कॉल मत किया करो, मैं नहीं उठा सकती। हाँ वही करो जो मैंने कहा है, डिवोर्स पेपर्स तैयार करो। अपने ही तो हैं, दिल से जो ये दिल यूं मिले हैं, खुशियों के चले सिलसिले हैं, यद जो भी तू में गिले हैं, अपने ही तो हैं। दिल ना दिल ना दिल ना, दिल ना दिल ना दिल ना, दिल ना दिल ना दिल ना, अपने ही तो हैं। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।